जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरा मराठा डाविन उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल शीतरंगा तव शुभ नामे जाके तव शुभ आशीष मांगे गाहे जब जय गाता जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और उसके साथ हमारे जो हमारे देश की रक्षा करने वाले हैं, जो वीर पुरुष हैं, जो शहीद हो चुके हैं और जिनको हम लोग जानते भी नहीं हैं, उन लोगों को भी हमारा सशक्त नमन, उनको पूर्ण श्रद्धांजलि भावपूर्ण है। सभी लोगों को हम नमन करते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का कुछ प्लानिंग बता रहा हूँ आप लोगों के लिए पर्टिकुलर की जो प्लानिंग है 10 दिन के लास्ट तक। ये रहा आप लोग बीचू गेट देख सकते हो आप यहाँ पे। आप इमेज करो, है ना, आप इमेज करो कि आप लोग यहाँ पे खड़े हो और आपको जाना है, है ना। आप इमेज करो आप यहाँ पे खड़े हो और आपको अंदर क्या करना है, प्रवेश करना है, वो भी बैग लेके, वो भी ऐसे नहीं, डायरेक्ट एंट्री मार के और डायरेक्ट बीएचयू के अंदर, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई किया आपने, कोई नॉर्मल एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो उसके लास्ट 10 डेज में प्लानिंग बता रहा हूँ आप लोगों को वो प्लानिंग क्या है, ठीक है। 1 सेकंड मैं पानी पी लूँ थोड़ा। लास्ट 10 डेज प्लानिंग है आप लोगों के लिए, अच्छा प्लानिंग रहेगा। और एग्जाम के लिए बताऊंगा कि जो एग्जाम के लिए जो प्लानिंग है, मतलब एग्जाम में प्रेजेंट होगे तो उस वक्त आपको आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले बात हम बात करते हैं यहाँ पे, मैं सीखा क्या बोल रहे हैं कि जो आपने पढ़ रखा है उसको बनाए रखे। सबसे पहली बात, आपने जो पढ़ रखा है उसको बनाए रखे, उसको एकदम मेंटेन करके रखो अच्छे से। ना ज्यादा क्या करना है उसके पीछे दौड़ना है, ना वो करना है। और एक्स्ट्रा कंटेंट आप लोगों को इस समय बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि मेरे को क्या पढ़ना है। जो आपने पढ़ रखा है एकदम सफिशियंट है, उसको आपको क्या करना है, मेरे तरीके से पूरी तरीके से मेंटेन करके रखना है, है ना। और ज्यादा से ज्यादा वहां पे फोकस करोगे जहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा उठे गए, उन चीजों को भी आपको लेके चलना है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा चीजें वो पढ़ना कि जो आपने पहले से पढ़ रखी हो उसको पढ़ना, ये तो बिल्कुल भी मत पढ़ना कि आप लोगों को मतलब एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करना कि मैं एक्स्ट्रा कुछ चीजें पढ़ लूं ताकि वो एग्जाम में आ जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं आने वाला है, जो आपने पढ़ रखा है वही आएगा, बस ये मेरी गारंटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि आपने पिछली बार पेपर दिया हो तो उस क्षण को याद रखो, याद करो कि क्या गलती हुई थी। आप लोगों ने बहुत पेपर दिए होंगे, बीएचयू के पुराने पेपर दिए होंगे या तो किसी और एग्जाम के भी पेपर दिए होंगे, और जो आपने एनालिसिस किया होगा कि हाँ मेरे से इस समय गलती ये होती है ना, उस समय आपका माइंड जो रहता है, माइंड कहाँ पे सेटअप रखा है ना। तो सबसे पहली बात क्या मिलती है, जो आप में पेशेंस है तो आपको पेशेंस बना के भी रखना पड़ेगा कि मैं इसको क्या पेशेंस, मेरे अंदर क्या पेशेंस है, धैर्य बना के आप लोगों को रखना पड़ेगा, ठीक है। इस समय क्या मिलते हैं कि न ज्यादा हड़बड़ाहट कह सकता है, न ज्यादा क्या मिलते हैं कि जल्दी करने के बिल्कुल भी नहीं सकता है, और न ज्यादा रोने धोने कह सकता है, यार मैंने कुछ पढ़ा नहीं, बहुत पढ़ा है आपने। बस अपने आपको क्या करना है, एक कॉन्फिडेंस मूवमेंट करना है, एक कॉन्फिडेंस बना के रखना है, नहीं मेरा होगा, मैं इस बीएचयू एग्जाम को जरूर क्वालिफाई करूंगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते मिलते हैं कि यदि आपने आपने ओल्ड पेपर लगाए हो तो देखो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कहाँ पूछे गए, ठीक है। यदि आपने क्या होगा, मिलते कैसे कोई भी मतलब ओल्ड पेपर आपने लगा के रखे हैं तो उसको भी आप देखना कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कहाँ से पूछे गए, कौन से टॉपिक से पूछे गए, ठीक है। जैसे आप लोग सॉइल साइंस पढ़ते हो तो सॉइल साइंस में डेफिनेटली मिलते कैसे जो फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते ही है, तो उनको उससे उसके बाद मिलते कैसे उन चीजों को देखो, वहां पे कोई हमारा क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है पर्टिकुलर, है ना। जिस जो भी आपने टेस्ट परचेस करके रखी है, जो भी आप टेस्ट लगा रहे हैं तरीके से, उसमें देखो नंबर कितने गेनिंग हो रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना। और सबसे पहले बात, टेस्ट को ज्यादा उतना वो मत करना कि भाई टेस्ट में मेरे नंबर कम आ रहे हैं या आ रहे हैं, बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि टेस्ट का और जो वहां का जो मोमेंट होता है वो क्या होता है, मिलते कि से पूरा डिफरेंट निकल होता है। टेस्ट सिर्फ आपके क्या मिलते कि से एक एनालिसिस है कि हाँ मैं से कोई चीजें डिसमिस तो नहीं हो रही है, कहाँ पे मेरी चीजें छूट रही है, टेस्ट उसके लिए होते हैं, इसके लिए ना होते हैं कि हाँ मेरे कम नंबर आ रहे हैं, मेरे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है,
ना, टेस्ट को क्या वो मिलते कैसे, एकदम ऐसा बिल्कुल भी मतलब मिलते कैसे उसको, क्या मिलते कैसे, हाँ दे रहो टेस्ट को, क्वेश्चन को एनालिसिस करो क्वेश्चन कहाँ से पूछी जा रही, मिलते कैसे, तो वो क्या करने मिलते कैसे, एक कॉन्फिडेंस के होते मिलते कैसे, बिल्डअप करने के लिए होता है। लेकिन क्या होता है एनवायरमेंट, जो एग्जाम होती है एग्जाम का टेस्ट पेपर, एग्जाम का जो पेपर होता है उसकी बात अलग होती है, और टेस्ट पेपर की बात क्या होती है मिलते कैसे, अलग होती है। ठीक है, तो जो लोग भी आप लोग टेस्ट दे रहे हो मिलते कैसे, उसको बिल्कुल भी नर्वस मत करना, अपने आप को एक मोटिवेट बना के रखो, नहीं मेरा ही सिलेक्शन होगा बीएचयू में। ठीक है, ऑल राइट। देखो चौथे नंबर की हम बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम ऑलमोस्ट 15 से 16 घंटे, 15-16 आवर्स में टास्क कंप्लीट करने की कोशिश किया करो। देखो ये लास्ट जो 10 डेज बचे हैं, आप लोग क्या करो, एक छोटे से टास्क बनाओ कि नहीं आज मेरे को क्या करना है, मिलते कैसे आज मेरे को 3 ब्रांचेस खत्म करना है, जैसे आज मेरे को पैथोलॉजी भी खत्म करना है, आज मेरे को एंटोमोलॉजी भी खत्म करना है, आज मेरे को एक्सटेंशन भी खत्म करना है। ठीक है, ये टास्क हो गया आपका, है ना, ये जब आपके टास्क है मिलते कैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा मिलते कैसे, आप लोग मतलब ग्रोथ करने लग जाओगे, है ना। टास्क जैसे टास्क हमारा कंप्लीट होता है, हमको अच्छा भी लगता है कि हाँ आज मेरा जो टास्क है टास्क पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है ना। और फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से यू नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, यू आर स्ट्रॉन्गर, यू रियली ट्रस्ट मी, यू आर स्ट्रॉन्गर, यू रियली ट्रस्ट मी, यू डेफिनेटली क्रॉस, यू विल डेफिनेटली क्रॉस द बीएचयू एग्जामिनेशन इन दिस ईयर 2020। ओके, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं मिलते कैसे, क्या बोला है, 23 को आपको नॉर्मल हो जाना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है ना, जो आपका 24 का एग्जाम है 26 का एग्जाम है, तो आपको को 22 तारीख तक जितनी भी मेहनत करना है आप लोग कर सकते हो। आज कितनी डेट को मिलते कैसे, 15 हो गई करीबन, ये मान के चलो कि 8 करीबन 8-9 दिन, 8 से 8-9 दिन आप लोगों को बहुत मेहनत करना है ना, जो आपने पढ़ रखा है उसको भी मेंटेन करके रखा है, जो आपने एक्स्ट्रा पढ़ के रखा है उसको भी मेंटेन करके रखना है, और एकदम पेशेंस बना के रखना है, ना ज्यादा हड़बड़ी करना है ना कुछ करना है, जरूर आप लोगों को सिलेक्शन होगा, जरूर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो क्या मिलते कैसे, 22 को आपको लास्ट करना है, मिलते कैसे 23 को एकदम नॉर्मल हो जाना है, थोड़ा बहुत पढ़े पढ़े तो पढ़े, नहीं तो बिल्कुल कुछ भी मत पढ़ना, है ना। 23 को आप लोग पर्टिकुलर जहाँ पे आपका सेंटर रहेगा वहां पे जाना ही पड़ेगा, 1-2 दिन पहले, कोई 1 दिन पहले भी जाएगा, कोई 2 दिन पहले भी जाएगा, तो बिल्कुल क्या करना मिलता है, 1-2 दिन यदि पहले भी आप जहाँ पे अपने सेंटर वहां पे पहुंच गए, तो 23 को एकदम नॉर्मल रिलैक्सेशन करना मिलता है, कैसे करना, ज्यादा कुछ देखना करना, एकदम नॉर्मल है, अपना माइंड को एकदम खाली मतलब एकदम रिलैक्सेशन प्रदान करना। ठीक है, और ज्यादा ऐसे सोचना क्या होगा मेरा, होगा कि नहीं होगा, ये अपने माइंड से निकाल दो, जरूर होगा, आपका ही होगा, डेफिनेटली होगा, मिलते कैसे, यू विल क्रॉस द एग्जामिनेशन इन दिस ईयर बीएचयू 2020। ओके, नेक्स्ट नंबर करते हैं, एग्जाम जो सबसे पहले आए उसको करना। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में क्या लिखा मिलता है, सही एग्जाम में जो सबसे पहले आएगा आप उसको करना, जैसे 120 क्वेश्चन आए आपको 1 से लगा के 6 तक आ गए, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, बिल्कुल भी मत करो, जो पहले आ रहा है आप लोग उस कर को देखो, जैसे आपने पूरी एक बार में लगा लिया, आपने कितने क्वेश्चन लगा लिया ऑलमोस्ट, ये मान के चलो कि आपने पहली बार में, ये मान के चलो कि आप लोगों ने लगभग 70 से लगा के 90 के आसपास, किसी ने 70 लगाए, किसी ने 70 लगाए, किसी ने 90 लगाए, है ना, इसके बीच में आ गए आप लोग। ठीक है, तो उसके बाद क्या मैं देखे से 70 से 90 क्वेश्चन बहुत होते हैं आप लोगों के लिए, जैसे 80 की हम बात करेंगे, 80 24 83 24, है ना, 8-80 क्वेश्चन गए तो 240 हो गया, उसके बाद क्या करना हमको और अटेम्प्ट करना पड़ेगा, यदि 340 की हम बात करेंगे तो ये मान के चलो 250 से वही होना हम लोगों को, सो हां सो 250 के आसपास होना, तदा कि हमको कुछ ब्रांच मिल जाएगी, और ये मान के जो सॉइल एंड वाटर ग्रेजुएशन की हम बात करेंगे, पर्टिकुलरली 702 की हम बात करते हैं, तो 702 में ये मान के चलो कि आपको जो नंबर होना पर्टिकुलर कंफर्म सीट के लिए, मान के चलो कि 260 से एबो नंबर चाहिए, 260 के अच्छे मिलते आप लोगों को एबो नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जिस क्वेश्चन पर डाउट लगे उसको कॉपी में नोट कर लेना और लास्ट में डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे पहुंच जाना, जैसे मान लो कि आप लोगों ने मतलब आप लोगों ने 1 से 11 तक कर लिया, आप लोगों को 12 क्वेश्चन डाउट लग रहा है क्या ये इसका, कि ये हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, तो आप लोग क्या करो अपनी जो कॉपी रहती है मिलते जो आपको कॉपी देंगे पर्टिकुलर उस पर नोट कर लेना, जो कॉपी देंगे तो उसे नोट करो मिलते 12 नंबर वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, आप ये गए मिलते मेरे को 18 नंबर वाले क्वेश्चन डाउट लग रहा है, मेरे को 40 नंबर वाले क्वेश्चन डाउट लग रहा है, मेरे को 81 क्वेश्चन नंबर डाउट लग रहा है, मेरे को 113 नंबर वाला डाउट लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके डाउट वाले चले गए। ठीक है, तो लास्ट में जब टाइम मिलेगा मिलते जैसे तो इन पे क्या करना मिलते जैसे, यदि आपको लग रहा है कि इसका ए आ सकता है तो बी आ सकता है, ए आ सकता है तो बी आ सकता है, ए आ सकता है तो बी आ सकता है, ए आ सकता है तो बी आ सकता है, तो कंफर्म करना मिलते जैसे उस क्वेश्चन को छोड़ना मत, मैं क्या बोलूं उस क्वेश्चन छोड़ना मत, यदि यदि मानो कि आपने क्या क्या मिलते जैसे कि यदि आपने जो रिस्क लिया कितने क्वेश्चन पे रिस्क लिया, मैंने तेरे से 10 क्वेश्चन पे रिस्क लिया, तो यदि हम बात करते हैं मैंने तेरे से 10 × 3 तो बराबर कितना हो गया, मैंने तेरे से 30 नंबर हो गए। ठीक है, माइनस मार्किंग की हम बात करें मिलते कैसे, मतलब 30 ये 30 क्वेश्चन हुए टोटल, आप कन्फर्म नहीं कि मेरे 10 के 10 सीचे जाएंगे, हो सकता है इसमें से हमारे 5 भी सीचे रहेगा, 5 भी सीचे मतलब बहुत ही, 5 सीचे गए मिलते कैसे, 5 5 सही आपके, है ना, तो 5
इंटू कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा मेरे तरीके से 15 नंबर, या फिर 15 नंबर आ गए। अब 5 गलत है तो 5 3 15, 5 3 15 कितना कटेगा मेरे तरीके से, 5 3 15 और 5 3 15 एक दूसरे बेस नंबर कट जाएगा। आपके पास बिल्कुल क्या रहेगा मेरे तरीके से, आपके 14 नंबर रहेंगे, 14 नंबर आपके हाथ में रहेंगे। ठीक है, जिसे हम बात करते हैं 0.3 पॉइंट, तो 0.3 के बाद बात करेंगे, तो 5 3 15 का 5 5 3 15 और 16 लगभग 1.65 के आसपास के नंबर कटेंगे। इसको तो चेक कर लेते हो, नहीं होगा कितना होगा, डाउट लग रहा है। आपको क्या करेंगे, बहुत आगे बढ़ा जाएंगे, है ना, आपको क्या करेंगे एक कॉम्पिटिशन में ला देंगे, है ना। तो लास्ट में करना 8 से 10 क्वेश्चन, क्या करना से रिस्क लेने की कोशिश करना, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे, है ना, रिस्क जरूर लेना मेरे तरीके से। 10 से 12 क्वेश्चन में, यदि मान लो कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन लिए, आपने 6 मतलब 8 क्वेश्चन पे रिस्क लिया, 8 में से ही मान के चलो 4 भी सी चले गए हमारे, 4 भी सी चले गए, तो 4 × 3 की हम बात करेंगे कितना हो गया मेरे तरीके से, 12 नंबर हो गया। ठीक है, 8 क्वेश्चन पे लिए, यदि हम बात करेंगे 4 की हम बात करेंगे तो 0.3 पॉइंट, 4 3 12 4 3 12 और कितना मेरे तरीके से 13, 1 से 32 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। फिर भी मान के चलो कि आपके पास 4 3 12 के लिए 10 11 नंबर आपके पास आएंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको डाउट लगे उसको कॉपी में नोट कर लेना और डायरेक्ट लास्ट में उसी पे पहुंच जाना कि हाँ मेरे को ये नंबर वाला डाउट है, 12 नंबर वाला डाउट है, 18 नंबर वाला डाउट है ना, ये कैसे नंबर वाला, जो आपको क्या करना है ये जो क्वेश्चन है ये आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस जो क्या कॉम्पिटिशन रहता है वो आपको आगे बढ़े, सिलेक्शन देने की गारंटी रहेगी। ठीक है, धैर्य बनाए रखना, ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में गलत मार्क कर देना, अपना जो पेशेंस है मिलते किसी धैर्य है उसको ज्यादा से ज्यादा ज्यादा बना के रखना, जितना ज्यादा आप धैर्य बनाकर रखोगे, सबसे क्या मिलता है कि इंसान की जो सबसे बड़ी जो क्या मिलता है कि जो पावरफुल जो ताकत है, जो स्ट्रॉन्ग है, वो क्या मिलता है कि पेशेंस, है ना। पेशेंस इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर, पेशेंस इज अ वेरी क्रूशियल फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड एनी लाइफ, है ना। आपके लिए एनी लाइफ में जो भी हो रहा है आपके लिए पेशेंस क्या रखता है, दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस बात को नोट करना मेरे तरीके से, धीरे बनाए रखना, हर बड़े पैसा ना हो कि ये क्वेश्चन, मतलब जो सरल सरल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्या होता है कि हमको जो सरल सरल क्वेश्चन भी बनते हैं तो सरल सरल क्वेश्चन हम लोग गलती कर जाते हैं। आपका दोस्तों ने क्या, किसने एग्जाम दिया हो, आपने एग्जाम दिया होगा, आपने खुद बोला टेस्ट में एग्जाम दिया, टेस्ट में दिया होगा क्या, ये क्वेश्चन को बन रहा था, क्वेश्चन में से गलत हो गया। ठीक है, तो डेफिनेटली क्या बोलते हैं एग्जाम में भी इसी हड़बड़ी होगी और आप लोग सरल सरल क्वेश्चन लगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग गलत करके आ जाओगे। तो इसका बिल्कुल भी मत करना, एकदम जो सरल क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उनको टिक कर देना कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन सारे के सारे बन गए हैं। ठीक है, और लास्ट में टाइम जरूर निकाला मेरे तरीके से, एक्चुअली क्या होता है कि 2 घंटे मिलेंगे हमको तो पता भी नहीं चलेगा 2 घंटे किधर जा रहे हैं, वहां से मूवी नहीं है हमारे के भाई, हाँ कि मतलब मूवी में टाइम पता नहीं चलता है, ऐसा नहीं कि मतलब पर्टिकुलर कि हम किसी कहीं भी बैठे हुए टाइम का पता नहीं चल रहा है, 2 घंटे रहेंगे यू निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे बना के रखना, हड़बड़ी बिल्कुल भी मत करना, क्या मेरे को नहीं तो पता चलेगा शुरू से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 6 बन गए, अरे 7 7 बन गए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखना है। ठीक है, चलो निश्चित होता मेरे तरीके से, रिस्क लेना हो तो रिस्क लेना है तो 10 से 12 क्वेश्चन में लेना, ज्यादा क्वेश्चन में नहीं रिस्क लेना। ठीक है, सबसे ज्यादा रिस्क भी लेना 10 से 12 पे लेना, ज्यादा भी रिस्क बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, ज्यादा की ज्यादा 10 से 12 लेना, जैसे पता चलेगा 16 क्वेश्चन लगा रहे, पता चलेगा उसमें 5 से गए और 10 गलत चले गए। ठीक है, बिल्कुल भी मत करना मिलते कैसे रिस्क लो करें, 10 12 क्वेश्चन रिस्क बहुत हो गया, ज्यादा रिस्क मत लेना। ठीक है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, पर्टिकुलर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरा, है ना, एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ, 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है। ठीक है, 2013 से मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो कोचिंग आप लोगों ने चला रहा हो, यदि स्टार्टिंग में कठिन लगे तो बीच बीच में लास्ट से भी शुरुआत कर सका, यदि मान लो कि स्टार्टिंग में यदि आपको कोई क्वेश्चन कठिन लगे, यार ये क्वेश्चन एक तो एक से लगा के 5 तो क्वेश्चन है, मानो कि एक से लगा के 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन आपको नहीं बने। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा थोड़ा मॉरल जो क्या मेरे तरीके से, जो मॉरल थोड़ा डाउनलोड मैं डाउन हो जाता है, तो मॉरल को डाउन नहीं करना है मेरे तरीके से, आपको डायरेक्ट कहाँ पे पूछना है मेरे तरीके से, पीछे से स्टार्ट करना है, 120 से स्टार्ट करना है, 119 से स्टार्ट करना है, 128 से स्टार्ट करना है। यदि यहाँ पे भी टफ लगे तो आपको डायरेक्ट बीच में पहुंच जाना है, 51 पे पहुंच जाना है, 50 पे पहुंच जाना है ना, 49 पे पहुंच जाना है, जहां से पहले क्या हो मेरे तरीके से सरल बने और हम लोगों को क्या मेरे तरीके से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, है ना। एग्जाम का कॉन्फिडेंस इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों को कॉन्फिडेंस ही रहेगा जो आप लोगों को बहुत आगे बढ़ाएगा, जे यू ट्रस्ट में,
है ना। और लास्ट में क्या मिलने के से 10 पॉइंट इतने मिलने के से जो आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे और रियली ट्रस्ट में आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। बस ये 10 दिन अपने आपको अच्छे मेंटेन करके रखो। आप इसमें क्या करना, अपनी बॉडी का ध्यान भी रखना खास कर, तो पता चलेगी अच्छे पढ़ने पढ़ने में 10 दिन अच्छे लगा के दे दिया। आप 10 दिन से बाहर ही नहीं, मतलब कुछ ज्यादा भी नहीं होते हैं, आपको क्या करना मिलने के से एग्जाम को उसको बना के, मतलब जो 10 दिन इसको बना के रखना है, अपने बॉडी को मेंटेन करके रखना है और ज्यादा से ज्यादा चीजों को, उन्हीं चीजों को फोकस करो मिलने के जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, पूछे जाते हैं मिलने के से। और यदि आपने पेपर लगाया हो तो उसके ये गेट के अंदर डायरेक्ट एंट्री मार के पहुंच जाओगे। ठीक है, तो सभी लोगों यदि आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज क्या करना मेरे तरीके से थम्स अप देना मत भूलना। थम्स अप मतलब लाइक होता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेरे तरीके से लाइक करो ताकि मेरा भी एक मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस फॉर बीएचयू एग्जामिनेशन 2020। ओके, मिलते हैं, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।